आज मैं चंद्र प्रकाश के कारखाने में हूँ जो मूर्तियों की ढलाई करते हैं। ये देखिए भट्टी चल रही है। ये कौन है? ये आपके ये देखिए इनकी वाइफ। तो ऐसा नहीं है कि घर में अकेले चंद्र प्रकाश ही करते हैं, दोनों मिलके और काम करते हैं। अभी चंद्र प्रकाश जी किसकी बना रहे हो आप मूर्ति? मूर्ति सर मजदूरी में बना रहे हैं ठेकेदार लोगों की। नहीं पंतु अभी क्या चल रहा है कि किसका जो आपने सांचा बनाया हुआ किस चीज का बनाया हुआ? गणेश लक्ष्मी का है और जी गणेश दोनों गणेश चल रहा है अभी। दोनों गणेश चल रहे हैं। तो देखिए ये इन्होंने बिल्कुल बनाया हुआ है, इसके अंदर अभी भट्टी चल रही है। तो अब इसमें से जो पीतल है वो गल रही है पूरी की पूरी, जैसे लिक्विड फॉर्म में आ रही है पूरा का पूरा, है ना। और फिर ये देखिए इन्होंने अभी आपको बताता हूँ, ये इन्होंने सांचे बनाए हुए हैं और इसमें होल से ये डालेंगे। ये देखिए ये जो ऊपर आप जो निकाल रहे हो ये क्या वेस्टेज है? ये वेस्टेज है एक्चुअली, ये मटेरियल में पीतल वगैरह में और कुछ जो आ जाता है वो वाला है। पीतल की गंदगी होती है ना, ये देखिए मतलब पीतल में और कुछ मिक्स होगा, गंदगी हो गई, जैसे बर्तन या और कुछ जो पुर्जे होते हैं उनके हैं। ये देखिए ये इनमें डाल रहे हैं। अब बेटा क्या नाम है आपका? उनका नाम गुंजन देवी है। गुंजन। तो गुंजन आप डेली कराती हो? अरे बोलो, हमें आजकल तो लड़कियां ऐसे बिल्कुल सब काम करती हैं और आप तो घर में इतना अच्छा काम करा रही हो। ये गुंजन देवी बोलती नहीं है भाई, ये घूंघट में और इनके यहाँ नहीं चलता है। हाँ तो इनकी मदद तो कराती है बंधु, इन्होंने बोलने के लिए। चंद्र प्रकाश जी आपने मना करा हुआ है या खुद ही नहीं बोलती है? ये इनके बच्चे, आप ये देखिए बच्चे हैं इनके। मेरी बेटी है, चार बेटी बेटी है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं, मेरे तीन बेटियां हैं बेटा। ये लक्ष्मी का वास है। ये देखिए इन्होंने लिक्विड का करा हुआ है, अब उसमें से निकाला है तो जो पीतल है वो इतनी गर्म ऐसे होती है जो। ये देखिए तो इसमें डालने के बाद भी जो ये आग वगैरह लगी रहती है जी, 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 वो है।
अच्छा गोल टावर जो होता है ना, अच्छा सड़क बनती है, हाँ वो डाला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मिट्टी बनती है, मतलब तारकोल क्यों डाला जाता है? ये मिट्टी की रेत है, मिट्टी को ये मिट्टी वो रेत वाली होती है, रेत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें ये तारकोल डाला जाता है, फिर ये हो जाती है, इसका मिश्रण होते हैं, ये ऐसे बन जाती है। देखिए इनको कुछ पैसे मिलते होंगे, ज़्यादा नहीं मिलते हैं, परंतु ये धुआं वगैरह इतना होता है, इतनी आग है, तो हकीकत बात ये है कि कारीगर को उसकी जो रिस्क है, मजदूरी को, उसको कुछ नहीं मिलता। हम लोग जो इतनी अच्छी अच्छी भगवान की मूर्तियां देखते हैं, वो कैसे किन हाथों से बनती है। अब ये मिट्टी का वापस से आप गीला करके सांचा बनाओगे? जी। देखो चंद्र प्रकाश जी वापस से तैयारी, जो वही सांचे में कोयला मिट्टी जो डाल के वापस से तैयारी कर रहे हैं। ये छान के तो बारीक से बनाएंगे और उसके बाद सारा का सारा। तो ये सारे अलग अलग पार्ट में बनते हैं, जैसे गणेश जी है, गणेश जी की अभी सून का वो अलग निकलेगा, वो अलग निकलेगा, सब अलग होता है। और एक चंद्र प्रकाश जी जो पीछे बताना आपने जो निकाला हुआ है, वो इसी में चाहे ना साफ होने के बाद, सब यही माल है। देखिए सब सुबह का हुआ माल यही है, ये देखिए इन्होंने सुबह निकाले थे, तो ये इस तरीके से है। अभी इनमें से अगर आप गणेश जी को देखेंगे तो गणेश जी के अभी सूंड और जो पार्ट है वो बाकी है। तो ये वाला तो जो तांबे के कलर में हो रहा है और वो पीतल के में, ये क्यों है? ऐसा है ना कि अभी ये गर्म है, अच्छा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये ठंडा ऐसा ही हो जाएगा जैसे ये है। अच्छा अच्छा, ये है पीतल, तांबा नहीं है। अच्छा अच्छा, कलर आ रहा है, हाँ हाँ, लेकिन तांबा नहीं है, पीतल है ये। अच्छा, तो इनका जो ये मूर्तियां निकल रही है, अंदाजन कितने वजन की हैं? ये सर ये 1 किलो की है। अच्छा, और छोटी वाली जो है ये 700 ग्राम की है। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा वजन निकलेगा वो 1 किलो का निकलेगा, या अभी 1 किलो की है सूंड वगैरह निकले मिला के? पूरा वजन जो है इसका एक, अच्छा एक पूरा सूंड वगैरह चक्कर वगैरह मिला के सब 1 किलो का है। अच्छा अच्छा, 1 किलो के जी वजन है इसका पूरा नेट। अच्छा अच्छा, तैयारी पे अब आएगी तो इसका जो वजन 10-5 ग्राम बढ़ जाता है या घट जाता है, बस अच्छा। इतना ही होता। अब आपने जैसे वापस से भट्टी में डाला है तो अभी इसमें पीतल डालोगे? जी जी जी, सामने जो रख रहे हैं, हाँ पीतल की जो पीस है वो डाले जाएंगे इसमें दोबारा से, कोयला अच्छा लगाया जाएगा। अच्छा, सब कोयला वगैरह लगा के सब दोबारा से इसको बनाएंगे, इसको गलाएंगे फिर। अच्छा, लिक्विड जो बन रहेगा वो जो सब गलाया जाएगा, फिर बनाएंगे कांचा भर के, फिर बनाया जाएगा सब। ये है चंद्र प्रकाश जी का काम का, जैसे अभी तो वापस से पीतल को गलाने में 1-1.5 घंटा लगेगा, और अभी तो ये जो सांचे बनाएंगे तो कोयले को बिल्कुल, जो गुंजन जी हैं वो बिल्कुल देखिए बिल्कुल बारीक पीस रही हैं, तो जिससे क्या होता है कि कोई भी खड्डा वड्डा कुछ जो मूर्तियों में नहीं आता है, जो सरफेस है बिल्कुल चिकनी और बिल्कुल फाइन फिनिश में होती है, उसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि ये वाला करने के बाद ही सांचों में डाला जाएगा और फिर पीतल के जो इनके मोल्ड है वो डाले जाएंगे। सो थैंक यू चंद्र प्रकाश जी। थैंक यू सर।